हेलो दोस्तों एम केन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 120 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की क्वेश्चन जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्वेश्चन है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के टॉप 120 जो क्वेश्चन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सबसे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिलान को दबाए तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इन ए स्प्लिट फेज मोटर द रनिंग वाइंडिंग शुड हैव तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा बी यानी कि लो रजिस्टेंस एंड हाई इंडक्टेंस ये इसका राइट आंसर होगा फिर दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इफ द कैपेसिटर ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ए यानी कि द मोटर विल नॉट स्टार्ट फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन है इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर्स तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो होगा ए यानी कि करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड्स द वोल्टेज ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों चौथा क्वेश्चन है इन ए कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर्स द फंक्शन इन सीरीज इसका जो राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है इन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग कैन बी नियरली तो दोस्तों डी यानी कि नाइनटी डिग्री इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा

ओनली इंड्यूस्ड करंट ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्यारहवां इन ए सेडेड पोल सिंगल फेज मोटर द रिवॉल्विंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डी यानी कि सेडिंग कोल से फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारहवा क्वेश्चन है और इसमें दोस्तों ए सेंट्री स्विच इज यूज टू डिस्कनेक्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग वेन मोटर हैज तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि पिक्ड अप अबाउट फिफ्टी टू सेवेंटी ऑफ रेटेड स्पीड

फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर तो दोस्तों इसका, ये इसका था 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 था। फिर अगला क्वेश्चन सोलवा क्वेश्चन है सेंट्री फूगल स्विच तो दोस्तों वाइंडिंग ऑफ द मोटर ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द रनिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर ऑन टेस्टिंग विथ मेगर इज फाउंड

मोटर इज डिटरमाइंड बाय तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बी यानी कि पोजिशन ऑफ सडेट पोल विथ रिस्पेक्ट टू मैन पोल आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन में दोस्तों बाईसवां क्वेश्चन है बर्निंग आउट ऑफ वाइंडिंग जो राइट आंसर होगा ए यानी कि शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटी ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन दोस्तो है दोस्तों तेईसवां डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए स्प्लिट फेस मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाई रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ तो दोस्तों सी यानी कि आइदर एंड ओर फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौबीसवा क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किटर इज यूज इन तो दोस्तों राइट आंसर वो रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द रेंज ऑफ एफिशियं फॉर सडेड पोल मोटर इज तो दोस्तों राइट राइट आंसर आंसर होगा होगा डी टू ये इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों छब्बीसवा कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर वेन कैपेसिटर इज रिप्लेड बाय ए रजिस्टेंस तो दोस्तों राइट आंसर है डी यानी कि मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्ताईसवा क्वेश्चन है द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली तो दोस्तों राइट आंसर होगा लेगिंग यानी कि दोस्तों जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वह लेगिंग के रूप में काम में ली जाती है फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों ए पोल मोटर कैन बी यूज फॉर तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा एनी ऑफ द अबव फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है ए मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ तो दोस्तों राइट आंसर है लॉस इसका राइट आंसर होगा

जो छोटी लेथ्स होती है उसमें जो है किस मोटर का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों वो है सिंगल फेज कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग उसमें किया जाता है फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तेतीसवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज ग्रिफेड फॉर टेप रिकॉर्डर्स तो दोस्तों राइट आंसर है बी यानी कि हिस्ट्रेसिस मोटर यानी कि दोस्तों जो टेप रिकॉर्डर होता है उसमें जो है हिस्ट्रेसिस मोटर का प्रयोग किया जाता है फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौतीसवां सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज तो, तो दोस्तों आंसर है सी यानी कि इनहेरेंटली नॉन सेल्फ स्टार्टिंग विथ लो ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पैतीसवां क्वेश्चन है ए स्क्रैच मोटर कैन रन ऑन तो दोस्तों राइट आंसर है डी यानी कि आल एफ अब यानी कि जीरो स्लिप में नेगेटिव स्लिप में और पॉजिटिव स्लिप में इन तीनों में क्या है यह चल सकती है फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसवा यूनिवर्सल यु मोटर कैन रन ऑन तो दोस्तों राइट आंसर है सी यानी कि आईदर एसी और डीसी कि इसका जो प्रयोग है वो ए सी और डीसी दोनों में किया जा सकता है फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सैतीसवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर्स इज सुटेबल फॉर टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पजेज

तो दोस्तों राइट आंसर है सी यानी कि रिड्यूस स्पार्किंग एट द ब्रशेज फिर अगला क्वेश्चन दोस्तो है दोस्तों चौवालीसवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज जनरली यूज इन टाइम फोनोग्राफ से तो दोस्तों राइट आंसर है सी यानी कि सेडेट पोल फिर अगला क्वेश्चन दोस्तो तो दोस्तो दोस्तो है दोस्तों पैंतालीसवा विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स हैज हाइएस्ट स्टार्टिंग टोरक्यू तो दोस्तों राइट आंसर इसका सी यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अगला क्वेश्चन है दोस्तों छियालीसवा क्वेश्चन है द रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज यूज बिकॉज ऑफ तो दोस्तों राइट आंसर है हाई स्टार्टिंग टोरक्यू

150 वाट, पचास से 50 सौ 150 वाट इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है है दोस्तों दोस्तों तो राइट आंसर कि 100 150 वाट यानी कि 100 से 150 सौ ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन तो है दोस्तों इक्यानवाच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज आंसर है सी यानी कि कैपेसिटर मोटर अगला क्वेश्चन है दोस्तों बावनवा विच टाइप ऑफ लोड इज ऑफ बाय क्रेंस एंड होइस्ट तो दोस्तों राइट आंसर है डी यानी कि रिवर्सिंग स्टार्ट ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तिरपनवा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज जनरली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग तो दोस्तों राइट आंसर है ए यानी कि गियर ट्रेन ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौपनवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी यूज्ड फॉर यूनिटी पावर फैक्टर तो दोस्तों राइट आंसर है डी यानी कि स्क्रेज मोटर ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन दोस्तो है दोस्तों पचपनवा क्वेश्चन है ए सीरीज मोटर इज कनेक्टेड टू सप्लाई द पावर फैक्टर विल बी लो बिकॉज ऑफ तो दोस्तों राइट आंसर है ए यानी कि हाई इंडक्टेंस ऑफ फील्ड एंड आर्मेचर सर्किट ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों छप्पनवा द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स द बाय रिवर्सिंग द फ्लो ऑफ करंट थ्रो तो दोस्तों राइट आंसर है सी यानी कि आइदर आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग जिसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्तावनवा क्वेश्चन है इन विच सिंगल फेज मोटर द रोटर हैज नो टीथ और वाइंडिंग तो दोस्तों राइट आंसर है सी यानी कि हिस्ट्रेसिस मोटर ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अठावनवा क्वेश्चन है विच मोटर इज नॉर्मली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी कि स्ट्रेसिस मोटर ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें उनसठवा क्वेश्चन है एज हिस्ट्रेसिस मोटर्स आर फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन देयर फॉर दीज आर कंसाइडेड एज सुटेबल फॉर तो दोस्तों राइट आंसर है साउंड इक्विपमेंट ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिक्सटी यानी कि साठवां ए रिलेक्टेंस मोटर तो दोस्तों राइट आंसर है आल ऑफ अबो यानी कि इज सेल्फ स्टार्टिंग यानी कि जो रिलेक्टेंस मोटर होती है वह सेल्फ स्टार्टिंग होती है इज स्पीड मोटर होती है नीड्स नो डी एक्टेशन से ये इसका जो है तीनों ऑप्शन राइट right होंगे फिर अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों इसमें मोटर द रोटर मस्ट है Retentivity, ये इसका होगा यानी कि ए फिर अगला क्वेश्चन होगा रोटर ऑफ एसिस मोटर इज मेड ऑफ तो दोस्तों राइट आंसर है क्रोम स्टील आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तिरसठवा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन आंसर है यूनिवर्सल पिस्टल ड्रिल्स इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पैसठवा क्वेश्चन है द स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर यूज फॉर सेविंग मशीन इज बाय दोस्तों राइट आंसर होगा वेरिंग द रजिस्टेंस ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन दोस्तो, है दोस्तों छासठवा क्वेश्चन है टोरक्यू डेवलप्ड बाय ए राइट आंसर होगा फिर अगला motor, तो है सी यानी थिक वायर प्लेड एट बॉटम ऑफ द स्लॉट ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन अड़सठवा क्वेश्चन है इन रिपल्सन मोटर मैक्सिमम टोरक्यू इज डेवलप्ड वेन दोस्तों राइट आंसर है ब्रश एक्सिस इज एट ए फोर्टी डिग्री इलेक्ट्रिकल टू द फील्ड एक्सिस ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इफ देंट्री फूगल स्विच डज नॉट ओपन एट सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ सिंक्रोनाइज स्पीड ऑफ मोटर इट वुड रिजल्ट इन तो दोस्तों राइट right आंसर है ए यानी कि डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सत्तरवा क्वेश्चन है स्पीड टोर क्यू ऑफ ए रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए डी

तो दोस्तों राइट right आंसर है सी यानी कि हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर टीथ ये इसका जो है राइट right आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौहत्तरवा स्पीड एंड लोड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज सेम एज देट ऑफ तो दोस्तों आंसर है डिस मोटर फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों पिछहत्तरवा क्वेश्चन है दर्पोज ऑफ स्टेटर वाइंडिंग इन द कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर इज टू तो दोस्तों आंसर है बी यानी कि इंप्रूव पावर फैक्टर प्रोवाइड बेटर स्पीड रेगुलेशन का राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों छिहत्तरवा क्वेश्चन है विच ऑफ दोटर इज यूज फॉर यूनिटी पावर फैक्टर है दोस्तों द मोटर यूज फॉर द कंप्रेसर इज तो दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोविंग मोटर इज यूज इन ए सिचुएसन वेर लोड इनक्रीज विथ स्पीड तो दोस्तों आंसर है इसका बी यानी कि थ्री फेज सीरीज मोटर ये इसका जो है राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों उन्यासी वा क्वेश्चन है इन मोटर जीरो इज डेवलप्ड तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यानी कि इसमें बी और सी यानी कि ब्रश एक्सिस कंसाइड्स विद द फील्ड एक्सिस और ब्रश एक्सिस इज नाइन्टी डिग्री इलेक्ट्रिकल टू फील्ड एक्सिस ये जो है बी और सी इसके जो है दोनों राइट आंसर होंगे फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्विच डिस्कनेक्ट द मोटर एट अबाउट परसेंट ऑफ स्पीड तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा वो आएगा दोस्तों इसमें बी यानी कि राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इक्यासी इक क्वेश्चन है स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बाई मीन ऑफ ए तो दोस्तों इसका आंसर है मैग्नेटिक रिले ये इसका जो है राइट आंसर होगा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन स्लोअर देन नॉर्मल द मोस्ट लाइकली डिफेक्ट इज तो दोस्तों आंसर है ए यानी कि वॉर्न बियरिंग इसका जो है राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों तेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज इन टेप रिकॉर्डर्स तो दोस्तों आंसर है ए यानी कि स्ट्रेसिस मोटर यानी कि दोस्तों टेप रिकॉर्डर में जो है स्ट्रेसिस जो मोटर होती है उसका प्रयोग किया जाता है

स्पार्किंग इज तो दोस्तों राइट आंसर है ई e, यानी कि ऑल ऑफ द अबो यानी कि ये जो है चारों ऑप्शन इसमें राइट होंगे ओपन आर्मेचर वाइंडिंग सोटेड आर्मेचर वाइंडिंग सोटेड फील्ड वाइंडिंग और हाई कम्यूटेटर माइका ये जो है चारों इसके जो है राइट आंसर होंगे फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इफ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज लेफ्ट इन द सर्किट इट विल तो दोस्तों आंसर है C, सी यानी कि ड्रॉ एक्सेसिव करंट एंड आवर हीट ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें मोस्ट ऑफ द फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स हैव आइदर तो दोस्तों आंसर है डी यानी कि प्लेन और स्लीव ये इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिलेक्टेंस स्टार्ट मोटर इज इन तो दोस्तों आंसर है ए यानी कि इट इज सिमिलर टू रिलेक्टेंस मोटर ये जो है इसका राइट आंसर होगा और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके डीएमआरसी यूपी मेट्रो और जे के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पूरा देखें और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में दबाएं साथ में दोस्तों आप इस वीडियो को जो है अपने फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मेट्रो के एग्जाम्स की, की तैयारी करनी है तो एम के अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें इक्यानवेवा क्वेश्चन है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर वाइल इट इज रनिंग वी शुड तो दोस्तों आंसर इसका डिस्कनेक्ट मोटर फ्रॉम द सप्लाई टिल इट स्टॉप्स देन रिकनेक्ट इट टू सप्लाई विथ रिवर्सड कनेक्शन ऑफ मेन और ऑग्जिलरी वाइंडिंग ये जो है इसका राइट आंसर होगा यानी कि ए फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रांडवा क्वेश्चन है इनकेस ऑफ ए रिलेक्टेंस मोटर वैन द लोड इज इंक्रीज सो दैट इट कैन नॉट मेंटेन सिंक्रोनहाउस स्पीड द मोटर विल तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी यानी कि रन एज इंडक्शन मोटर यह जो है इसका राइट आंसर होगा

एट अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों अट्ठानवा क्वेश्चन है रिपल्सन मोटर इज इक्विप्ड विथ तो दोस्तों आंसर है बी यानी कि कम्यूटेटर ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों निन्यानवा क्वेश्चन है द कैपेसिटर्स यूज इन सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर्स हैव नो तो दोस्तों आंसर है पोलरिटी मार्केटिंग ये जो है सी इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों हंड्रेड का क्वेश्चन है इफ ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑपरेटेड ऑन ए सी सप्लाई इट विल तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी यानी कि आल ऑफ अबो यानी कि दोस्तों तीनों आंसर इसके राइट है यानी कि दोस्तों स्पार्क एक्सेसिवली हैव पुअर एफिशियंसी हैव पुअर पावर फैक्टर ये जो है तीनों ऑप्शन इसके जो है राइट होंगे फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों आफ्टर द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम सप्लाई इट कंटिन्यूज टू रन ओनली ऑन तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा रनिंग वाइंडिंग्स यानी कि ए वा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक सौ दोवा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी यानी कि इन फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर इट हैज रिप्लेस्ड द कैपेसिटर मोटर ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक सौ क्वेश्चन है एसी सीरीज मोटर एज कंपेयर्ड टू डी सीरीज मोटर हैज तो दोस्तों आंसर है ऑल ऑफ द अबव यानी कि स्मॉलर ब्रश विथ लेस नंबर ऑफ फील्ड टर्न्स मोर नंबर ऑफ आर्मेचर टाइम्स लेस एयर गेब यानी कि ये जो है इसके चारों जो ऑप्शन है वो राइट होंगे फिर अगला क्वेश्चन में दोस्तों लॉग रोटर करंट ऑफ ए सैडेड पोल मोटर इज तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा सी यानी कि स्लाइटली मोर देन फुल लोड करंट ये जो है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक सौ पांचवा स्पीड कंट्रोल ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज अचीव दोस्तों आंसर है ई यानी कि ऑल ऑफ द अबव मेथड यानी कि सभी वेरिंग फील्ड फ्लक्स विथ टैब्ड फील्ड वाइंडिंग्स और कनेक्टेड रियो स्टेट इन सीरीज अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज बाय मीन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर और अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज बाय मीन ऑफ वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कि दोस्तों इन चारों में इसका जो है प्रयोग किया जाता है फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोटर इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर हाई क्वालिटी रिकॉर्ड प्लेयर्स एंड टेप रिकॉर्डर्स बिकॉज तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा डी यानी कि इट डेवलप्स इज एक्सट्रीमली बोथ इन हिस्ट्रेसिसूड एंड फेज ये जो जो है है इसका राइट आंसर होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोटर इज इनकरेक्ट तो दोस्तों आंसर है ए यानी कि इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वोल्टेज ये जो है इसका राइट आंसर right होगा फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स करेक्ट तो दोस्तों आंसर है डी यानी कि इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ ए सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन तो दोस्तों आंसर है स्टेटर यानी कि डी फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों द स्पीड ऑफ ए यूनिवर्सल मोटर इज यूजली रिड्यूस्ड बाई यूजिंग तो दोस्तों आंसर है इसमें ए यानी कि गियरिंग तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे वो थे इलेक्ट्रिकल के और दोस्तों इसमें जो है लगभग आपको 110 क्वेश्चन करवाए गए हैं हालांकि दोस्तों यहाँ पे जो है आपको 120 और 119 नंबर दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसमें जो है लगभग 110 क्वेश्चन ही आपको करवाए गए हैं और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो है जैसे यूपी मेट्रो है चाहे डी है चाहे जे है तो दोस्तों इन तीनों एग्जाम के लिए ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इसके अलावा जितने भी टेक्निकल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो है ये क्वेश्चन आपके काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट हैं तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर करें दोस्तों लाइक करें साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को दबाएं।